भारतीय क्रिकेट टीम का विश्व कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। अब तक खेले 5 मैच में से 4 मैच में जीत हासिल कर भारतीय टीम ने 9 अंक बटोर लिए हैं और वो सेमीफाइनल के बेहद करीब पहुंच गई। टीम इंडिया के 3 मुकाबले बाकी हैं। 27 जून को टीम इंडिया को वेस्टइंडीज, 30 जून को मेजबान इंग्लैंड और 2 जुलाई को बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में टीम इंडिया की जर्सी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। भारतीय टीम 30 जून को इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में ब्लू जर्सी की जगह ऑरेंज जर्सी पहनकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। इस जर्सी में नीला रंग तो होगा, लेकिन इसके साथ ही उसमें नारंगी रंग भी होगा। टीम इंडिया को यह बदलाव इसलिए करना पड़ा है क्योंकि दोनों टीमों की जर्सी का रंग लगभग एक जैसा ही है। ऐसे में मेहमान टीम को अपनी रेगुलर जर्सी की जगह अवे जर्सी के साथ मैदान में उतरना होगा। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का भगवाकरण कर तिरंगे झंडे का अपमान किया जा रहा है। लेकिन आज जो भगवा कलर टीम को दिया जा रहा है, मोदी जी, इस देश के झंडे का कलर देने वाला कोई और नेता मुसलमान था जिसने इस देश के झंडे का कलर दिया। अगर आपको टीम को कोई कलर देना है तो इस देश के झंडे का कलर देंगे तो मैं समझूंगा ठीक है, लेकिन हर चीज़ को आप भगवा रंग से रंगेंगे तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नाइंसाफी है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है देश में। जनता को इसका विरोध करना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसमें राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करने का काम हमेशा भारत की सरकारों ने किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मौजूदा सरकार भगवाकरण की तरफ इस देश को ले जाने का काम कर रही है, जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए नुकसानदेह। इस पूरे मामले में ICC के मुताबिक BCCI को रंगों के विकल्प दिए गए थे। कलर कॉम्बिनेशन के लिहाज से BCCI को जो सबसे बेहतर लगा वो रंग उन्होंने चुना। इस पूरी कवायद का मकसद अलग दिखना है क्योंकि इंग्लैंड भी उसी तरह का नीला रंग पहनती है जैसा टीम इंडिया। नई जर्सी का डिजाइन भारत की ही पुरानी T20 जर्सी से लिया गया है जिसमें नारंगी रंग था। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।